सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दमोह मध्य प्रदेश का आदेश आपको बताना चाहते हैं। दमोह दिनांक 26/4/2024 क्रमांक आप देख सकते हैं यहां पर, ऑफिशियल 2024 प्रति है। जिला शिक्षा अधिकारी दमोह स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO के विरुद्ध शिकायत बाबत, और यहाँ पर अतिथि शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी, और हुआ क्या है पूरा मामला देखिए मित्रों। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्रमांक 262 विधानसभा क्षेत्र 56 जवेरा द्वारा व्हाट्सएप पर की गई शिकायत। विषय अंतर्गत शिकायत में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्रमांक 262 विधानसभा क्षेत्र 56 जवेरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत में लेख है कि मतदान दिवस दिनांक 26/4/2024 को मतदान केंद्र पर नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी SPO श्री नितिन पारासर, अतिथि शिक्षक माध्यमिक शाला घनगौर संकुल केंद्र शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा तहसील तेंदुखेड़ा द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूरी हुए बिना दल के किसी भी सदस्य को सूचना दिए बगैर अपने गंतव्य को प्रस्थान गए। शिकायत की छाया प्रति संलग्न है। उनका यह कृत्य है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में सौंपे गए दायित्वों के प्रति स्वेच्छता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, अतः इन्हें तत्काल प्रभाव से अतिथि शिक्षक के पद से पृथक किए जाने हेतु शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दमोह दिनांक 26/4/2024 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से सूचना, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह की ओर से सूचना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह की ओर से सूचना, जिला परियोजना समन्वय सर्व शिक्षा अभियान दमोह विकासखंड शिक्षा अधिकारी तेंदुखेड़ा संकुल प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा जिला दमोह, अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा जिला दमोह की ओर से सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेसित सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग दमोह की ओर से सूचना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भाइयों, अतिथि शिक्षक उनकी जैसा कि ड्यूटी लगाई गई है लोकसभा निर्वाचन में, और ये यहाँ पर कुछ बिना बताए अपनी घर को आ गए हैं, इसको लेकर ये आदेश कलेक्टर ने निकाला है। और इनको अब यहाँ पर एक मौका देना था कारण बताओ नोटिस के, इतने जल्दी ये क्यों गए। दोस्तों आप सभी कैसे हैं जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात करें तो उनका पद अस्थायी है, पूर्ण रूप से उनके लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट उनकी सेवा समाप्त कर देते हैं। और भाइयों इसी को लेकर महापंचायत में जो घोषणाएं की थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो भी पूरी नहीं हुई है। बाकी जो भी नए नए अपडेट आएंगे आप लोगों को बताएंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को जय श्री।